दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे आपका। दोस्तों क्या आप लोग फोटो एडिटिंग के लिए पिक्सआर्ट का यूज करते हैं? जी हाँ, में से सभी का जवाब हाँ में ही होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग पिक्सआर्ट का यूज करते हैं। तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि पिक्सआर्ट में जितनी ही फोटो को एडिट करते हैं उतनी ही फोटो फट जाती है दोस्तों। और अगर हम लोग बैकग्राउंड वगैरह चेंज करते हैं तो इसके पिक्सल इतने फट जाते हैं कि पूछिए ही मत गाइस। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एंड्रॉयड में और भी एप्लीकेशन मौजूद है जो कि पिक्सआर्ट से बहुत ही अच्छी है, आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोग बैकग्राउंड चेंज करते हैं तो फिर तो आप लोगों को और भी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। तो ऐसी ही एक एप्लीकेशन के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जिसका नाम है फोटो डायरेक्टर। जी हाँ, ये साइबरलिंक कंपनी की बनी हुई फोटो डायरेक्टर एप्लीकेशन आप लोगों को पिक्सआर्ट से अच्छी एडिट फोटो दे सकती है। जी हाँ गाइस, तो मैं आप लोगों को इसकी खासियत बता देता हूँ कि ये पिक्सआर्ट से अच्छी क्यों है। तो दोस्तों एक बात इसमें खासियत यह है कि इसका आउटपुट बहुत ही अच्छा मिल जाता है, जो भी हम लोग फोटो को एडिट करते हैं तो वो उसके पिक्सल वगैरह नहीं कम होते हैं। तो चलिए मैं एप्लीकेशन पे भी आ गया हूँ, इसकी खासियत मैं फोटो पे ही दिखा देता हूँ। तो आप लोगों को एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर एडिट पे आना है आप लोगों को, एडिट यहाँ पे जो भी गैलरी पे फोटो आपको जो भी एडिट करनी है वो ले लेनी है। तो मैं ऐसे ही कोई फोटो को यहाँ से ले लेता हूँ गाइस, तो ये वाली फोटो को ले लेता हूँ। ये सारे ही ऑप्शन आप लोगों को जो पिक्सआर्ट में मिल रहे थे वो यहाँ पे मिल जाएंगे, साथ ही बहुत सारे इसमें ऑप्शन ऐड भी कर दिए गए हैं जो कि फीचर्स पिक्सआर्ट में नहीं मिलते थे। जैसे कि ये रिमूवल वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं मिलता था, इसमें जितना भी आप लोग पेंट करेंगे उतनी चीज बैकग्राउंड से गायब हो जाएगी। तो मैं ऐसे ही इसको कर देता हूँ, जितना आप लोग परफेक्ट इस पे यहाँ पे पेंट करेंगे उतनी अच्छी तरीके से रिमूव कर देंगे। कभी कभी बैकग्राउंड में अनवांटेड चीज़ें आ जाती हैं जिन्हें हम लोग फोटो में नहीं दिखाना चाहते, उसे इस तरीके से रिमूव भी कर सकते हैं। इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं गाइस। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका इंटरफेस बिल्कुल पिक्सआर्ट के जैसे, ब्लर वगैरह सभी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, ब्लर, स्टिकर, टेक्स्ट वगैरह सब ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग बैकग्राउंड चेंज करते हैं तो फिर ये एप्लीकेशन आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ दोस्तों, इसमें आप लोगों को कटआउट का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप लोग इस तरीके से पेंट करेंगे। पेंट तो पिक्सआर्ट में भी किया जाता है कट करने के लिए, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ थोड़ा सा अलग है। इसमें बिल्कुल परफेक्ट कट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अंदर अंदर फोटो की पेंट कर दीजिएगा और अपने आप ही ये सेलेक्ट कर लेगा एरिया को जितनी आप लोगों को फोटो कट करनी है यहाँ से। ठीक है गाइस, तो आप लोग देख लीजिए, मैं जब इसको छोड़ूंगा तो इसकी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, देख सकते हैं। अब थोड़ा सा बालों पे रह गया, उससे मैं मैन्युअली भी कर लूंगा। तो चलिए मैं ओके कर देता हूँ इसको। अगर थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा हो गया तो यहाँ से माइनस का भी ऑप्शन दिया है, उसे माइनस करके घटा भी सकते हैं। तो मैं कट कर देता हूँ क्योंकि मेरा तो परफेक्ट ही हो गया है बिल्कुल। फिर यहाँ पर प्लस का ऑप्शन दिया है, इससे जो भी आप लोगों को बैकग्राउंड रखना है वो यहाँ से रख सकते हैं। मैं मूवी पोस्टर का एक बैकग्राउंड रख लेता हूँ जिसकी फाइल भी मैंने आप लोगों को दी थी, तो आप लोग उससे भी डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी भी लिंक दे दूंगा। तो ये वाला मैं बैकग्राउंड रख लेता हूँ दोस्तों। इस तरीके से आप लोग भी अपनी फोटो को कर सकते हो। इसको इस तरीके से ओके कर देना है गाइस दोस्तों। फिर यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिया है, आप लोग यहाँ से सेव कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी फोटो सेव हो जाएगी। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए। दोस्तों मेरी राय है कि आप लोग इसे डाउनलोड करके एक बार देख लीजिए, शायद आप लोगों के लिए यूजफुल हो जाए।
तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो कर लो, जिससे कि अगले वीडियो में भी मुझसे मिल सको। धन्यवाद।